कियारा अडवाणी इन दिनों फ्रांस के शहर कांस में है। वो वहाँ कांस फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने गई है। इसी बीच उन्हें वहाँ रेड सी फिल्म फेस्टिवल और वैनिटी फेयर यूरोप की ओर से एक डिनर के दौरान सम्मानित भी किया गया। कांस फिल्म फेस्टिवल से अलग हुए इस इवेंट में कियारा अडवाणी ने सम्मानित होने के बाद खुशी जताई। खुशी जताने के लिए जब वो मीडिया से बात कर रही थी तो वो ट्रोल हो गए। कियारा अडवाणी जिस अंदाज में इंग्लिश बोल रही थी उसे सुन कई लोगों को उनका एक्सेंट फेक लगा। सोशल मीडिया पर कियारा अडवाणी के वीडियो वायरल होने लगे और लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। वायरल हो रहे वीडियो में कियारा कहती दिख रही है कि उनके करियर को एक दशक होने जा रहा है। वो कहती है कि इसीलिए मुझे लगता है कि ये बेहद स्पेशल मोमेंट पर आया है, कांस में पहली बार आकर और विमेन इन सिनेमा के लिए रेड सी फाउंडेशन की ओर से सम्मानित होकर बेहद आभारी महसूस कर रही हो, ये बेहद अच्छा एहसास है। कियारा की फिल्मों की बात करें तो वो आखिरी बार सत्य प्रेम की कथा में नजर आई थी। इस वक्त उनके पास बॉलीवुड की दो बड़ी बजट फिल्में हैं जिनमें रणवीर सिंह स्टारर डॉन 3 और स्पाई यूनिवर्स की वॉर 2 शामिल है।